आइए दोस्तों अगले सवाल पे चलेंगे। वाइल वर्किंग 7 आवर्स ए डे, ए अलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज एंड बी अलोन इन 8 डेज। इन वॉट टाइम वुड दे कंप्लीट इट टुगेदर वर्किंग 8 आवर्स ए डे। ठीक है, क्वेश्चन को पहले हम समझ लेते हैं। तो 7 घंटे काम करते हैं, तो ए 6 दिन में काम कर लेता है और बी 8 दिन में। ठीक है, एक दिन में ये लोग 7 ही घंटे काम करते थे, यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है। और एक हम काम खत्म कर रहे हैं 6 दिन में और बी 8 दिन में। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि कितना दिन लगेगा अगर ये लोग 8 आवर्स पर डे काम करते हैं। ठीक है, अगर 8 आवर्स पर डे काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे। ठीक है, तो आइए इसको करते हैं। तो यहाँ मैं देखिए ए और बी दोनों को मैंने लिख लिया, दो लोग हैं, और उनके नीचे मैं लिख लेता हूँ 7 आवर काम कर रहा है ए। ठीक है, और कितने दिन में काम ख़त्म कर रहा है, 6 डेज। ठीक है, 7 आवर काम कर रहा है और ए काम ख़त्म कर रहा है 6 दिन में, तो मैंने इसको लिख लिया है 7 आवर × 6 डे इज इक्वल टू 42 कर लिया है। ठीक है, और उसी तरीके से बी का भी मैं ऐसे ही लिख लूँगा। तो बी काम कर रहा है 7 आवर्स × 8 मीन्स 8 दिन काम कर रहा है, तो टोटल 56 आवर्स काम कर रहा है। ए काम कर रहा है 42 आवर्स टोटल 6 दिन में, है ना, मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों, तो 42 आवर्स टोटल 6 दिन में काम हो रहा है, और यहाँ पे 56 आवर्स 8 दिन में बी काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए वर्क जहाँ पे दिया नहीं जाता है तो आप वहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं, कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं वर्क को। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या एज्यूम करूँगा, आप देख सकते हैं। सबसे बेहतर तरीका तो होता है कि एलसीएम आप एज्यूम करें। ठीक है, तो कभी कभी जैसे ये बड़े से वर्ड्स आ जाते हैं तो हम एलसीएम ना एज्यूम करके इसके मल्टीप्लाई प्लाई जो होता है 42 × 56 को ही वर्क यूनिट हम एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, हालांकि इसका हम अगर एलसीएम देखेंगे तो इसको आप डबल करें, 56 का डबल, अगर वो 42 से डिवाइड हो रहा है तो वो आपका एलसीएम होगा, नहीं तो 56 को 3 टाइम्स कीजिए, तो 56 का 3 टाइम्स आप देखेंगे तो 168 आएगा। ठीक है, और 42 से वो कितने बार में जाएगा, 4 टाइम्स में, 42 × 4 = 168। ठीक है, तो आप 56 को 3 टाइम्स करेंगे तो आपको एलसीएम 168 आएगा, लेकिन यहाँ पे मैं 168 एलसीएम को वर्क यूनिट नहीं मान रहा हूँ, मैं यहाँ पे मानूंगा इन दोनों के मल्टीप्लाइंग को। ठीक है, यहाँ पे जो वर्क यहाँ पे आई है मेरे पास, कितने घंटे काम किया इन्होंने, इसी को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 42 × 56 यूनिट्स। ठीक है, अब इसको आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप इसको ऐसे ही रहने दें, 42 × 56 यूनिट ये लोग काम करते हैं। आप चाहते तो 168 यूनिट इसके एलसीएम को भी वर्क यूनिट मान सकते हैं, या तो आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन बेहतर यहाँ पे मेरे को ये इजी लगता है, यहाँ पे बड़े नंबर से आते तो मैं सीधा मल्टीप्लायर को यहाँ रख देता हूँ, 42 × 56 यूनिट ये लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें वर्क एफिशिएंसी निकालनी, तो सीधे से वर्क एफिशिएंसी क्या हो जाती है, हम सीधे डिवाइड कर देते हैं यूनिट्स को और कितने आवर्स काम किया। तो यहाँ पे देखिए 42 × 56 यूनिट्स ए ने काम किया होगा, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 42 से, तो 56 यूनिट पर डे ये ए की एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, 42 से 42 आप कैंसिल कर देंगे, 56 यूनिट्स पर डे ए की एफिशिएंसी। उसी तरीके से बी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 56 से 56 आप कट कर दें, मीन्स होता है क्या, डिवाइड करना, कितने आवर्स काम किए और कितने यूनिट, है ना, कितने यूनिट है उसको आवर से डिवाइड करना, तो 42 × 56 / 56, तो बचा हमारे पास 42 यूनिट पर डे बी की एफिशिएंसी। ठीक है, हमें यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी निकाल ली, ठीक है, इन इस यूनिट के हिसाब से। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कुछ और वर्क यूनिट लेंगे तो आपकी एफिशिएंसी कुछ और आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ए की एफिशिएंसी आएगी 56 यूनिट, बी की एफिशिएंसी आएगी 42 यूनिट। ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम में कुछ ऐसे नहीं करना है, ये सब बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप सीधा जो कि ए की एफ बी का जो वर्किंग आवर है वो आप उसकी 56 यूनिट कर लें, और ए का जो वर्किंग आवर है वो बी की वर्किंग यूनिट आप बना सकते हैं, 42 यूनिट पर डे एफिशिएंसी बना सकते हैं आप इसकी। ठीक है, अब यहाँ टोटल हम यहाँ पे करते हैं, टुगेदर ये बोल रहा है कि 8 घंटे में कितना काम करेगा। ठीक है, टुगेदर 8 घंटे में कितना काम करेंगे, तो हम देखते हैं कि एक दिन में ये लोग कितना काम करते हैं मिलके, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 98 यूनिट्स पर डे काम करने की। ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया तो ये इन दोनों की मिला के एक दिन की एफिशिएंसी आ गई। ठीक, तो अब आगे हम बढ़ते हैं, तो आपको पता है कि मैन पावर इंटू डेज इज इक्वल टू वर्क होता है। ठीक है, मैन पावर इंटू डेज इज इक्वल टू वर्क, मैन पावर क्या होता है,
कितने आदमी हैं और उनकी क्या एफिशिएंसी है इनटू डेज, ठीक है, इज इक्वल टू वर्क। तो यहाँ पे हमें आवर्स भी दिया है, तो 8 आवर्स हम इसको साथ में लेंगे, ठीक है, डेज में हम डेज इंटू आवर्स को भी लेते हैं, ठीक है। तो ये मैन पावर इंटू डेज इंटू आवर्स आप मान सकते हैं फॉर्मूले को, ठीक है। मैं हमेशा डेज ही लिखता हूँ क्योंकि मैं टाइम को ऐसे ही लिख देता हूँ डेज में, ठीक है। तो यहाँ पे आप आवर्स को भी साथ में लेके चलेंगे जो यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे हमें डेज निकालने हैं, तो 98 यूनिट पर डे काम कर रहे हैं, ठीक है, 98 यूनिट पर डे इनकी एफिशिएंसी है। कितने घंटे काम करना है इनको, 8 आवर्स, और डेज हमें पता करना है कितने दिन काम कर रहे हैं। और वर्क हमें पता है कि क्या है, वर्क है हमारे पास 42 × 56, ठीक है, जो हमने माना है, ठीक है, सीधे से आप रख देंगे इसमें वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 98 × 8 आवर्स, क्योंकि यहाँ पे आपके साथ जो फॉर्मूला होता है उसमें आवर्स भी रहता है, मैन पावर इंटू डेज इंटू आवर्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी डाल देता हूँ आवर्स भी, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि MDH/W इज इक्वल टू M1D1H1/W2 वो फॉर्मूला होता है। तो हम इसको ऐसे भी जब सिंगल यूज़ करते हैं तो मैन पावर इंटू डेज इज इक्वल टू वर्क के हिसाब से यूज़ करते हैं। तो ये 98 मैन पावर होगी एफिशिएंसी इंटू 8 आवर्स इनसे काम करवाना है, कितने दिन में ये पता करना है, और वर्क यूनिट इतनी होनी चाहिए, 42 × 56 काम करवाना है। तो यहाँ पे आप जब सॉल्व करेंगे तो डेज इज इक्वल टू 42 × 56, बाकी ये 98 × 8 नीचे 8 से 7 टाइम्स में चला जाएगा, बाकी इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो डेज इज इक्वल टू आपके पास आ जाएंगे 3 डेज, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 42 × 56 को आपको मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, बाकी आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिवीजन करना पड़ेगा लास्ट में। आप यहाँ पे 168 लेते तो भी आपके लिए सिंपल रहता, लेकिन कभी कभी होता है कि हम एलसीएम नहीं फाइंड आउट कर पाते हैं, ठीक है। अगर एलसीएम आप नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे तो आप टाइम वहाँ पे वेस्ट कर देंगे, इसलिए यहाँ पे आप सीधे से इसको 42 × 56 यूनिट मान लीजिए, बाकी आप यहाँ पे आके इसको थोड़ा सा हो सकता है कि आपको डिवीजन करना पड़े, तो आप सीधा 2 से धीरे धीरे से काटना शुरू कर सकते हैं, या 7 से इसको काटना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 डेज यहाँ पे हमारा आंसर है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।